कठुआ हलचल के सभी दर्शकों को उत्तीर्ण का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम विशेष मुलाकात में। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये मेडल, पहले मैं आपको ये बता दूं, ये मेडल मेरा नहीं है। और आज जिस शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ, वो एक महिला है, या आप कह सकते हैं स्त्री वर्ग से ताल्लुक़ रखती है। और मैं सिर्फ उनका नाम ही लूँगा और योग्यताएँ वो खुद बताएँगे। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आइए आपको रूबरू करवाते हैं मोनिका शर्मा जी से। सबसे पहले कठुआ हलचल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। जितने भी घर बैठे दर्शक है ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप उनको अपनी योग्यताएं बताइए और ये जो मेडल है ये आपसे ताल्लुक रखता है और इसको आप संभालिए। थैंक यू सर। हाँ, अब आप हमारे दर्शकों को अपनी योग्यताएं बताएं। जी सर, मेरा नाम मोनिका शर्मा है, मैं पटेल नगर की रहने वाली हूँ। मैं एक पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन से संबंध रखती हूँ और मैं स्टेट चैम्पियन रह चुकी हूँ। हमारा जो स्टेट कंपटीशन हुआ था ये 27 फरवरी 2018 में हुआ था जम्मू में, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। आफ्टर दैट मेरी नेशनल गेम्स के लिए मेरी सिलेक्शन हुई, जो अभी रांची में संपन्न हुई थी। ये हमारी 16-18 मार्च 2018 में हुई और जिसमें मैंने ये ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल किए हैं, वन इन इक्विप्ड एंड वन इन अनइक्विप्ड चैम्पियनशिप। और बतौर एक बेटी आपने कठुआ शहर का नाम रोशन किया है। थैंक यू। कठुआ शहर की और भी बेटियां हैं नाम रोशन कर रही है, उसमें चाहे आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की किसी छात्रा का नाम लें या फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेन की किसी अध्यापिका का नाम लें, हर क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि महिलाएं या स्त्रियां आगे बढ़कर आ रही है। या हम कह सकते हैं कि महिलाओं ने, स्त्रियों ने अब ठान लिया है कि हर क्षेत्र में हमने पुरुषों से आगे आना है। और सिर्फ आना नहीं है, वो करके दिखाना है। आप जैसी स्त्रियां, आप जैसी युवतियां जो इस तरह के काम कर रही हैं, और मैं बोलना चाहूँगा कि आप पावर लिफ्टिंग में, जी सर, जैसे ये पावर लिफ्टिंग बेसिकली हम कह सकते हैं ये जिम से ताल्लुक रखता है, और खासकर हमने देखा कि बॉयज इसको ज्यादा प्रोफेशन को ज्यादा चूज कर दें कि नहीं जिम है, हम जिम करेंगे, बाइसेप्स अच्छे बनाएंगे या कुछ भी, मतलब बॉडी अच्छी बनाएंगे, एब्स वगैरह। और एक स्त्री होके आप इस क्षेत्र में आई, मैं आपसे सारी बातें पूछूंगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई। जी सर। कहाँ से आपने स्कूलिंग की, किस तरह से आपको पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, वो हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, मेरी स्कूलिंग कॉस्मिक हर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठुआ से हुई है। एट दैट वेरी टाइम हमारे जो प्रिंसिपल थे, हमारे बाबा सर थे, जो उन्होंने काफ़ी मतलब मेरे को सपोर्ट किया कि आपकी हाइट अच्छी है, यू शुड गो इन हैंडबॉल कॉम्पिटिशन्स। तो एट दैट वेरी टाइम मैंने हैंडबॉल चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। जी। आफ्टर दैट हमारी यहाँ पे जो स्टेडियम में हम प्रैक्टिस करते थे जी। तो उसके बाद मैम की ट्रांसफ़र होगी, मैंने उसमें भी 8-10 नेशनल कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, तो उसमें मैम की ट्रांसफ़र होगी। आफ्टर दैट हमें था शौक खेलने का कि अब हम क्या करें, कहाँ, मतलब ऐसे था, स्पोर्टिंग स्पिरिट काफ़ी था। तो उसके बाद ये जो शबील अहमद हमारे भैया, ये एक दिन हमें मिले जी। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे पावर लिफ्टिंग अगर आप उसमें खेलना चाहो तो आप, मैं आपको 2 मिनट के लिए टोकूंगा। आपने शबील अहमद जी का नाम लिया, जी, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे वो कौन है। हाँ, शबील अहमद हमारे प्रेजेंटली हमारे ये हमारी कठुआ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं इस टाइम पे, और एट दैट वेरी टाइम वो भी एक प्लेयर थे। कठुआ हलचल की टीम पूरी, जो शबील अहमद है जिन्होंने एक स्त्री, एक युवती को आगे लाया, उनको भी हम काबिले तारीफ, उनकी तारीफ करना चाहेंगे। एक युवती को उन्होंने आगे लेके आए हैं, उन्होंने युवती में कुछ देखो, या क्या पता हम कह सकते हैं जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे होनी चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे लेके आओ, तो शायद वो भी उनके दिमाग में आया होगा। ठीक है, आप आगे बताएं। हाँ, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि यू शुड ज्वाइन पावर लिफ्टिंग, हमारी यहाँ पे जिम है, आप आओ हम प्रैक्टिस करें। एट दैट वेरी टाइम मैंने स्टार्ट किया, बट नॉट सो मच स्कोरिंग बिकॉज कॉलेज भी था उस टाइम पे। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे मेरा स्पोर्टिंग मतलब करियर चलता रहा। आफ्टर दैट मैं 2011 में मैंने मेडल निकाला, 12, 13, 14। उसके बाद मेरा मतलब PHE डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया और मेरी मतलब जो पोस्टिंग हुई वो बसोली में हुई, और उसके कारण मैं अपना ये कंटिन्यू अपना सफ़र नहीं कर पाई। उसके बाद फिर से एक बार मेरे को भैया मिले तो बोलते नहीं स्टार्ट करो, मैंने कहा नहीं अब नहीं करूँगी स्टार्ट। वो एक्सपीरियंस होती है ना, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। यस, मुझे ऐसा लगा कि नहीं सफ़र है ये वो, साथ में इतना सपोर्टिंग भी नहीं था डिपार्टमेंट भी, चलो था सपोर्टिंग तो सही, बट खुद से ऐसे होता है कि इतना सफ़र करके कैसे कंटिन्यू करेगा गेम। फिर उसके बाद मैंने, भैया ने कहा कि नहीं आप करो, आप यू शुड टेक वन चांस, आप एक चांस लो तो हो जाएगा आपका।
तो मैंने कहा ठीक है भैया आप बोल रहे हो तो आप बताओ कैसे. फिर उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया कैसे है रूटीन ये वो पूरा गाइड किया. तो इनके इनके बदौलत मैं गई वहाँ पर नेशनल में और मुझे ये मेडल्स वहाँ पर हासिल हुए. काफ़ी अच्छी बात आपने बताई आपने. अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने बताया कि आप कॉस्मिक आर्ट स्कूल से पढ़े हो, कॉलेज यहाँ से कठुआ डिग्री कॉलेज से हुए हो, तो पेरेंट्स का सपोर्ट किस तरह का? पेरेंट्स का, पेरेंट्स का होता है ना कि पेरेंट्स कहते हैं उस स्पोर्ट में जाओ, क्रिकेट में चले जाओ, हैंडबॉल में बोल, तो एकदम से आप पावर लिफ्टिंग में आए. जी जी जी. तो वो किस तरह का? वो मतलब था स्कूलिंग में जैसे हमारे प्रिंसिपल ने बोला कि आपकी हाइट अच्छी है, यू शुड गो, यू शुड ज्वाइन. तो मैंने कहा कि ठीक है. मैंने अपने पेरेंट्स से बात की तो पेरेंट्स बोलते हाँ ज़रूर जाना चाहिए, आजकल लड़कियों को हर गेम में जाना चाहिए. बिल्कुल. एज़ माई फादर साहब भी आर्मी में रिटायर हुए हैं तो इनको भी काफ़ी था कि नहीं डिसिप्लिन होना चाहिए, सब कुछ ऐसे मेंटेनेंस होती है, स्पोर्ट्स में जाना चाहिए. काफ़ी सपोर्ट किया मेरी फैमिली ने मेरे को जाने के लिए. उस टाइम पे क्या था कि मतलब 2005 या 6 की बात है तो लड़कियों को आउट ऑफ स्टेट जाने की मतलब इतनी परमिशन नहीं थी. मतलब मोस्टली गर्ल्स को ये है कि घर पर ही रहो या कैसे भी. वो आप कह सकते हैं कि समाज की कुरीतियाँ कुछ इस तरह की थी, बिल्कुल, कि समाज के वो बातों में पेरेंट्स भी आ जाते थे कि ये समाज के जो ठेकेदार है. मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, जो समाज के ठेकेदार है जो लड़कियों को आगे नहीं आने देते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो ऐसा नहीं कीजिए. वो अगर आपने एग्जाम्पल लेनी है तो इस वक्त हमारे सामने बतौर एग्जाम्पल के रूप में मोनिका शर्मा भी मौजूद हैं जिनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट किया और उन्होंने कठुआ शहर का नाम रोशन किया. जी. तो उसके बाद फादर साहब ने बोला कि नहीं आप जाओ, आपको जाना चाहिए. मैंने एनसीसी में भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया. उसके बाद मेरा नेशनल्स का सफ़र शुरू हो गया. जी. हम झारखंड गए, रांची, आफ्टर दैट उसके बाद हम काफ़ी सारे मतलब पटियाला, दिल्ली, हर जगह हमारे मतलब मोस्टली हमारे चैम्पियनशिप्स होती थी और मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया. मम्मा ने पूरा सपोर्ट किया, फादर साहब ने पूरा सपोर्ट किया. डाइट वो क्योंकि मतलब हमारा ये है कि इसमें डाइट का भी काफ़ी मेंटेनेंस या डाइट का भी पूरा मेंटेनेंस ये वो, बट मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया इस मामले में. आई एम वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम. नहीं वो तो अच्छी बात है. फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का काफी ज्यादा योगदान होता है. फ्रेंड्स भी प्राउड फील करते हैं कि मेरी फ्रेंड है. अगर मेरा फ्रेंड किसी क्षेत्र में अच्छे अंक ले रहा है या किसी में उपलब्धि हासिल कर रहा है तो होता है कि यार ये मेरा फ्रेंड है. फ्रेंड्स का सपोर्ट किस तरह का? फ्रेंड्स का सपोर्ट था बट आई डोंट हैव सो मेनी फ्रेंड्स, बट था ऑलमोस्ट, बट सीनियर्स का ही साथ रहा ज्यादा, ज्यादा सीनियर्स का ही रहा. फ्रेंड्स भी हैं बट ओके ओके. अब मैं पूछ रहा हूं कि पावर लिफ्टिंग ही क्यों? जैसे मैं पहले भी पूछा आपसे, तो पावर लिफ्टिंग ही क्यों चूज किया आपने? मैंने पावर लिफ्टिंग ये था कि हम वेट लिफ्टिंग देखते थे ना कि वेट लिफ्टिंग लड़के इतना यार इतना उठाती हैं, ओलंपिक्स में जाती हैं, तो हमें भी था कि नहीं यार मुझे भी कुछ ऐसे है कि मैं भी अपने आप को चेक करूंगी कि मैं इस गेम में सक्सेसफुल होती हूँ कि नहीं. दैट्स व्हाई आई हैव जॉइंड पावर लिफ्टिंग. मतलब आपने अपने आप को अपनाने की कोशिश की कि मैं भी क्या ये कर सकती हूँ. यही हिम्मत, यही जज्बा चाहिए आज की बेटी में कि वो सिर्फ घर पे बैठ के हार नहीं माने. लड़कियों का काम सिर्फ घर पे बैठ के खाना बनाना नहीं है. वो आज के ज़माने में कह सकते हैं कि वो आगे आ रही हैं, वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है माँ बाप के साथ. और जैसे आपके पेरेंट्स के बताया, पेरेंट्स का सपोर्ट था, फ्रेंड्स बता दिया आपने. जी बिल्कुल. और किसी की प्रेरणा, किसी को प्रेरणा, जैसे किसी का आइडल होते हैं, कोई जिम का प्लेयर, कोई जिमनास्टिक का, क्रिकेट का प्लेयर, आपका कोई ऐसा आइडल? आइडल मतलब जब हमने स्टार्ट किया तो एट दैट वेरी टाइम गर्ल्स थी. एक हमारे सीनियर भैया थे दीपक ज्योति, उनका काफ़ी नाम था कि उन्होंने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट किया था. जी. तो वो था. तो उसके बाद हमें देख के लग रही लड़का ये इतना मतलब उनकी मतलब इतने वो दिखने में इतने लगते नहीं थे कि वो इतने पावरफुल हैं. जी. उनको देख के थोड़ा हुआ. उसके बाद एक एसपी सर थे, उनकी मिसेस थी. एट दैट वेरी टाइम उन्होंने भी इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट किया. तो उन मैडम को देख के मुझे ऐसे लगा कि ये मैरिड हैं, इनके आगे बेबीज हैं, तो अगर ये मैरिड होके इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट कर सकती हैं तो वाई कांट आई. बिल्कुल. मुझे भी मतलब एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो मुझे नेशनल तक तो मुझे जाना ही जाना है और वहाँ पे जाके मुझे ये मेडल्स हासिल करने हैं. बिल्कुल. आपने उनसे वो प्रेरणा का स्रोत बने. आप जी, क्या जी, सकते हैं कि आपने उनको देखा, पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा. तो दर्शकों बातें यूं जारी रहेंगी, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. तो दर्शकों ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मोनिका शर्मा से, तो आइए ज़रा उनसे और भी पूछते हैं उनकी गेम के बारे में. किस तरह की आपकी तैयारियाँ थी पहले हमें ये बताइए. जी सर, तैयारियां तो काफ़ी करनी पड़ती है हमें. तो मेन इज़ डाइट प्लान एंड आफ्टर दैट रूटीन फॉलो करना
मतलब वो सब मेरे कोच सर ने मेरे को काफ़ी अच्छे से गाइड किया कैसे है इसमें. ये हमारी गेम होती है कि नॉट ओनली पावर बट मतलब इसमें हमें टेक्निक भी यूज़ करनी पड़ती है कैसे है वेट को कैसे बैलेंस करना है कैसे उसको लिफ्ट करना है कैसे पोजीशन बनानी है वो सब इसमें हमें देखना पड़ता है. मतलब आपके कोच जितना भी आपने जो भी यहाँ पे आपने मेडल लिए आपके साथ साथ बिल्कुल मेरे साथ थे बिल्कुल सपोर्ट किया बिल्कुल सपोर्टिंग. हमारे स्टेट चैंपियनशिप हुई वहाँ पर वो हमारे साथ गए साथ में हो गए. जब मेरा गोल्ड मेडल पड़ा उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब कॉन्ग्रेचुलेट किया काफ़ी मेरे को वो कहा कि नहीं अब आपको नेशनल के लिए जाना है तो आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी अच्छा डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा सब कुछ देखना पड़ेगा तो वो काफ़ी सपोर्टिंग रहा मेरे लिए. उनका मैं आपसे ये पूछ रहा कि जैसे आप पावर लिफ्टिंग से हैं तो देखा गया कि हमारे कठुआ शहर में पावर लिफ्टिंग को इतना प्रोत्साहन नहीं दिया जाता जी बिल्कुल क्योंकि पावर लिफ्टिंग कोई जानता नहीं है आप ऐसा कह सकते हैं एक अंधेरे में है ये पावर लिफ्टिंग जी बिल्कुल. तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहिए कि सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए या नहीं. जी बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हमारी जो डिस्ट्रिक्ट पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन है ये रिलेटेड है हमारी JK पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के जिसके जनरल सेक्रेटरी मिस्टर अजय शर्मा है और वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर राहुल सानी. तो मतलब और ये जो स्टेट की हमारी JK स्टेट की जो पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन है ये हमारी जो है इंडियन पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन और पावर लिफ्टिंग इंडिया के साथ रिलेटेड है संबंधित है जो ओलंपिक्स तक ये प्लेयर्स को लेके जाते हैं. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ मतलब कुछ एसोसिएशंस ऐसी भी हैं जो एफिलेटेड टू गवर्नमेंट नहीं हैं तो क्या है कि प्लेयर्स करते हैं तैयारी करते हैं नेशनल तक जाते हैं आफ्टर दैट क्या होता है वो मेडल्स भी लेके आ जाएंगे लेकिन जो उनके मेडल्स जो उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो वैलिड नहीं होंगे क्योंकि वो जो हमारे है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ वो एफिलेटेड नहीं होंगे. अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि किसी कारणवश उन्हें निराशा का ही सामना करना पड़ता है बिल्कुल, इतनी मेहनत करने के बावजूद इतने मेहनत से पावर लिफ्टिंग करना काफी मुश्किल होता है ये हम कह सकते हैं. और जितने घर बैठे दर्शक ये देख रहे हैं कार्यक्रम उन्हें भी पता होगा कि पावर लिफ्टिंग एक ऐसा सपोर्ट है जिसमें आपको वेट उठाना है साथ में आपको दिमाग की भी जरूरत है क्योंकि आपने बताया कि हर एक चीज टेक्निक से की जाती है इसमें. ये ऐसे नहीं कि आपने भार है तो आपने उठा दिया नहीं, इसकी टेक्निक अलग अलग होती है. जी जी बिल्कुल. तो अब मैं पूछ रहा ओलंपिक्स में जाने का कुछ सपना कुछ ऐसा नहीं सर सपना तो बहुत है मेरा मेरे है कि नेशनल अभी तो मेरा ब्रॉन्ज है आई विश कि नेक्स्ट जो चैंपियनशिप हो उसमें मेरा गोल्ड मेडल आए. आप अगली चैंपियनशिप के लिए जा भी रहे हैं शायद. जी बिल्कुल बिल्कुल अभी हमारा सितंबर में भी होगा उसके बाद हमारा नवंबर में भी होगा ये पूरा मतलब होता है सिस्टम कैलेंडर होता है. तो उसके बाद जब मेरा गोल्ड आई विल बी गोल्ड मेडलिस्ट आफ्टर दैट आई विल बी सिलेक्टेड टू इंटरनेशनल. तो आई होप सो कि नेक्स्ट टाइम मैं इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट जरूर करूँ. तो ओलंपिक्स के लिए जैसे आप बता रहे थे सपना है उसके लिए आप किस तरह की तैयारी किस तरह आपके कोच ने आपको तैयारियों के लिए पूरा तैयार किया कि आप इस तरह से अभी तो फोकस्ड हूँ मैं पूरी उस चीज़ के लिए कि कैसे है. लेकिन हमारा ये है कि इफ़ हमारा स्टेट में गोल्ड मेडल आएगा तो हम नेशनल में एंट्री कर सकते हैं नेशनल में गोल्ड मेडल आएगा तो हम इंटरनेशनल के लिए जा सकते हैं. तो पहले तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मेरा नेशनल में गोल्ड मेडल आ जाए आफ्टर दैट आई विल बी सिलेक्टेड. और उसके लिए मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ मेरे कोच साहब मेरे साथ हैं मेरी फैमिली मेरे साथ है और आई विश कि सभी लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे इस चीज़ के लिए कि मैं आई विल बी इंस्पायर्ड एंड आई विल गो टू इंटरनेशनल. मैं तो कहूँगा कि बेटी को सपोर्ट करना चाहिए. अगर आप हम लड़कों को सपोर्ट करते हो पर बेटी को किस लिए नहीं सपोर्ट करते. अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं बेटी को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान लेकर आ रहे हैं तो आप घर बैठे दर्शक क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते बेटी को. अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी फैमिली में जी और कौन कौन है जो आपको सपोर्ट करते हैं. मम्मी पापा तो आपने बता दिया. हाँ जी मम्मी पापा मैं आपको ये भी बता दूंगा ब्रेक पर जाने से पहले जब हम ब्रेक पर गए तो इनकी माता जी ही आए पानी लेके उन्होंने कहा बेटा पानी पी लो. आप देख सकते हैं कि माता पिता किस तरह से हर कार्य में इनको सपोर्ट कर रहे हैं. ये नहीं कि हमारी बेटी ने मेडल्स ले ली बस अब हो गया ये आगे भी उनको तैयारियां करवा रहे हैं और पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं. जी जी बिल्कुल मेरी फैमिली में मेरे मम्मा पापा हैं मेरे ब्रदर हैं सिस्टर्स हैं वो भी काफ़ी सपोर्टिंग हैं बट मेन रोल मेरे पेरेंट्स का ही है. जी अब उनका भी कुछ है मन इसमें कि पावर लिफ्टिंग में जाने का जब वो अपने किसी फील्ड में अलग अलग फील्ड में. नहीं 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 वो भी मेरे को यही सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं इसी गेम में आगे जाऊँ. नहीं वो भी उनका भी पूरा सपोर्ट है मतलब सपोर्ट है कह सकते हैं आपके कोच से लेके पेरेंट्स से लेके फैमिली से लेके रिलेटिव्स फ्रेंड्स सभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं. सभी का मेरे रिलेटिव्स का भी काफ़ी रोल है वो भी काफ़ी मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं काफ़ी फ़ोन कॉल्स आ रही हैं मेरे रिलेटिव्स की भी. बहुत अच्छी बात जी, है जी, अब मैं थोड़ा सा हटके सवाल पूछना चाहूँगा आपसे मोनिका जैसा आप देख रहे हो कि अभी कुछ दिनों पहले एक आसिफा हत्याकांड हुआ जी, था जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ पे भी एक बेटी के साथ जुल्म हुआ जी, सर, जी, तो सर। क्या इस तरह के जुल्म अगर होते रहेंगे क्या बेटियाँ आगे बढ़ेगी.
बिल्कुल नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि जो भी कल्प्रिट है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि ये करो, बेटी पढ़ाओ बचाओ, ये करो वो करो, काफ़ी प्लान्स हैं, तो आई थिंक सो कि उन प्लान्स का अब इम्प्लीमेंटेशन इतनी देर तक नहीं हो पाएगा जब तक ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये जो सॉर्ट आउट नहीं होंगी। आई थिंक उस लड़की को इंसाफ बिल्कुल जरूर मिलना चाहिए, और बीइंग अ गर्ल मैं ये चाहूंगी कि उसको जल्दी से जल्दी उसको इंसाफ मिले, और हमारी गवर्नमेंट, हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट और हमारी इंडियन गवर्नमेंट उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। बिल्कुल, ये काफी अच्छी आपने भी राय दी, सब यही राय देना चाहते हैं और दे रहे हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब आपके पास ये किताब है, किस तरह का फील होता है ये किताब लेकर? सोचा था कि इस तरह का किताब होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हर प्लेयर का सपना होता है कि मैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जाऊं, मेडल्स हासिल करूं। काफ़ी मेरे को वहां पर काफ़ी इंस्पायर्ड फील हुआ, काफ़ी प्राउड फील हुआ कि मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए ये सब मैंने मतलब मैंने हासिल किया है। तो आई विश कि नेक्स्ट टाइम आई विल बी गोल्ड मेडलिस्ट। आपके हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं, और जितने घर बैठे दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी सोच रहे होंगे कि जितनी लड़कियां बेटियां देख रही हैं उनके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि शायद हमारे पेरेंट्स भी हमें सपोर्ट करें। जिनके करते हैं वो तो काफ़ी काबिल तारीफ है, जिनके नहीं करते सपोर्ट करें, और उन्हें भी आपके जिस तरह आपने अपने कोच का नाम लिया, शबील अहमद लिया, उस तरह के कोच हमारे शहर में और आए और बेटियों को सपोर्ट करें। अब बेटियों के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं ये कहती हूँ कि बेटियों को खुद सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए हर फील्ड में, ये नहीं कि खाली एजुकेशन कर लिया तो बस हो गया। एजुकेशन के साथ साथ उनको फिजिकल फिटनेस भी होना चाहिए, उनको स्पोर्ट्स में भी करना चाहिए, खुद की प्रोटेक्शन के लिए उनको अवेयर रहना चाहिए। तो आई थिंक कि ये सब एक लड़की में होना ज़रूरी है, खासकर आजकल के ज़माने में। तो आई विश कि अगर कोई लड़की हमारे साथ पावर लिफ्टिंग के साथ एसोसिएटेड रहना चाहती है, वो चाहती है कि मैं भी पावर लिफ्टिंग ज्वाइन करूं, तो वो हमारे कोच सर के साथ बात कर सकते हैं, या मेरे से कॉन्टैक्ट या उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक कि हमारी कठुआ डिस्ट्रिक्ट की लड़कियों को काफ़ी आगे तक जाना चाहिए। अब मैं पूछूंगा कि जिस तरह से आप यहाँ पर भी प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पर भी लड़की होंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब उनको किस तरह फील होता है? काफ़ी अच्छा फील होता है। किस तरह की आपसे टिप्स लेती है? जी ट्रिक्स, किस तरह के ट्रिक्स आप उन्हें देते हो? क्या? जी टिप्स यही है कि पूछते हैं कभी कि कैसे है, रूटीन कैसे फॉलो करें, कैसे करें, अभी डंबल्स उठाने, अभी बाइसेप्स की करनी, ट्राइसेप्स की करनी है, तो वो थोड़ा सा होता है, मतलब पूछते हैं। बट हमारे जिम में इंस्ट्रक्टर्स होते हैं तो वो मोस्टली उनसे ही पूछते हैं। मतलब बीइंग अ प्लेयर हमारे पास भी इतना कम टाइम होता है कि हम किसी को गाइड नहीं कर पाते, खुद की प्रैक्टिस में काफ़ी बिजी रहते हैं हम। क्योंकि अब आप मेडल्स ले चुके हो, आपने नेशनल के लिए तैयारी करी, फिर उसके बाद हमें भरोसा है आप पर कि आप जल्द ही ओलंपिक्स में भी दिखोगे। बट ये सारा सपोर्ट तभी मिलेगा अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ होंगे, आपके कोच, आपके फ्रेंड्स और आपके जितने भी ये चाहने वाले हैं, हम कह सकते हैं चाहने वाले फैंस जिसको बोलते हैं, अब आप फैंस के रूप में आपके दिखेंगे आपको, क्योंकि आपने एक काफी अच्छा मुकाम हासिल किया है। मैं बतौर ये कहना चाहूंगा कि बड़े लड़के भी आते हैं, मैं लड़कों को कोई उनके खिलाफ कुछ ऐसे बोल नहीं रहा, कुछ नेगेटिव कमेंट नहीं, पर लड़के आते हैं जिम में, बॉडी बनाएंगे, बाइसेप बनाएंगे, बट क्या उस बॉडी बनाने का फायदा क्या, उस काम करने का फायदा क्या जिसका फल उन्हें ना मिल सके, चाहे वो जिम की बात की जाए, चाहे वो क्रिकेट की बात की जाए, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स की बात की जाए। मैं सिर्फ एक जिम के लिए नहीं बोल रहा, जिम से तो मोनिका जी ताल्लुक रखते हैं, तो इसलिए मेरे दिमाग में ये एग्जांपल आई, तभी मैंने कहा अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे वो लड़का है लड़की है, काम को कीजिए और बाहर आइए, इस तरह घर पर बैठ के ये सब मत कीजिए। और अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उन्हें एग्जाम्पल दीजिए, मोनिका जैसी लड़की की एग्जाम्पल दीजिए, कुसुम लता जैसी लड़की की एग्जाम्पल दीजिए, और जैसे हमने देखा प्रोफेसर रचना भगत जैसे, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ है यहाँ तक पहुँचने के लिए, अब वो डॉक्टर तक बन गया है, उन्होंने भी हमारे इंटरव्यू में सब कुछ बताया कि किस तरह से कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, आपको भी कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कुछ ऐसा इंसिडेंट अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं, कभी ऐसी आपको फील होगा नहीं अब पावर लिफ्टिंग छोड़ देनी चाहिए? स्टार्टिंग में हुआ जब मेरी बसोली में जॉब लगी, तो उस टाइम पे आई वॉन्टेड मुझे नहीं करना है ये सब, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि डाइट प्लान फॉलो करना, मतलब वो सब करना, प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो मुझे था कि मुझे नहीं करनी है, मुझे छोड़ देनी है बस। बट फिर मुझे जब ऐसे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना है, एक बार मुझे फिर से ट्राई करनी है, मुझे कम बैक करना है, जैसे मर्जी मुझे करना है। तो उस टाइम पर ये है कि हमारा थोड़ा सा डाइट का इशू रहता है यहाँ पर, और थोड़ा सा प्रैक्टिस का इशू रहता है, बट सॉर्टेड आउट।
वो ये ना हार के जीतने वाले को बाजीगरी कहते हैं, पर आपने हार नहीं ली है, मैं ये भी कहना चाहूंगा आपने हार नहीं ली है, बट आप थोड़ा सा हार गए थे, क्योंकि होता है ना कि आप कहीं किसी क्षेत्र में चले गए थे, अब आप जॉब कर रहे थे, फिर आपने सोचा कि क्या करेंगे, पर आपको सपोर्ट किया आपके कोच ने, आपके फैमिली मेंबर्स ने, आपके फ्रेंड्स ने कि नहीं आगे आइए, क्योंकि मैं भी ये कहता हूँ अपने दर्शकों से और हर एपिसोड में यही कहता हूँ कि आपके अंदर जो भी है उसको बाहर निकालिए, उसको घर बैठ के जितना भी आपके अंदर जो टैलेंट है उसको छुपाइए मत, और खासकर ये समाज के जो ठेकेदार हैं जिन्होंने ये कुरीतियां बनाई हैं, सबसे बड़ा दोष तो उनको जाता है कि उन्होंने ये बना रखा है कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती, बेटियां सब कुछ कर सकती हैं। दर्शकों, आप जो घर बैठे कार्यक्रम देख रहे हैं, ये भी एक बेटी है, ये कोई बेटा नहीं है, बेटा होता तो शायद, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, मैं ये तर्क दे रहा हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो शायद गोल्ड मेडल लेता है, या सिर्फ जिम में जाता तो बॉडी शॉडी बनाता अपने फ्रेंड्स के बीच में, मतलब बेटियों में शो ऑफ नहीं होता है, मैं ये कहना चाहूँगा बेटियों में शो ऑफ कम होता है, बेटियाँ जो करती हैं वो लगन से करती हैं। और अंत में जाते जाते कोई संदेश आप सभी को, कठुआ हलचल के सभी दर्शकों को देना चाहेंगे? संदेश मैं ये देना चाहूँगी कि सभी लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहिए, और पावर लिफ्टिंग अगर चाहे तो ज्वाइन करनी चाहिए, जिम ज्वाइन करनी चाहिए, अपनी फिटनेस के लिए, अपनी स्ट्रेंथ गेनिंग के लिए ये सब करना चाहिए। जैसे कि एक ओलंपिक प्लेयर जो है, जब हमारी जैसे पीवी सिंधु ने लाया, दीपा करमरकर ने लाया, तो उस टाइम पे था कि गवर्नमेंट जो है जब आते हैं प्लेयर्स तो काफ़ी इनिशिएटिव्स देती है, ये वो, तो आई थिंक सो कि प्लेयर को स्टार्टिंग से तैयार करना चाहिए, प्लेयर को स्टार्टिंग से ऐसी कैपेबिलिटीज़, ऐसी फैसिलिटीज़ दीजिए कि वो जो प्लेयर है वो हर डिस्ट्रिक्ट में से एक ओलंपिक मेडलिस्ट प्लेयर, मतलब जो गवर्नमेंट है वो तैयार कर सके, इस टाइप की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को देनी चाहिए। मतलब आप ये संदेश है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करती, कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करती है, कहीं ना कहीं कमी, मैं ये नहीं कहती करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे चूक रह जाती है। जब प्लेयर बाहर से आता है तब उसको जब मेडल ले आया करके आ गया तो उसका काफ़ी कहेंगे कि हाँ ये हो गया वो हो गया, बट प्लेयर को स्टार्टिंग से क्यों नहीं तैयार करना, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगी। काफी अच्छी बात की। और जो बेटियां जो इसमें आना चाहती है पावर लिफ्टिंग जी, बिल्कुल जो आना चाहती हैं वो हमारे कोच सर के साथ कांटेक्ट करेंगी, तो वी विल वेलकम देम। हिचकिचाती है कि नहीं क्या पता कुछ ऐसा नहीं अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, जब एक बार आप आएंगे खुद में आपको 1 मंथ या 15 डेज में ही आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि खुद में सेल्फ डिपेंडेंस फील होती है आने से, कि क्या क्या होता है, चेंज खुद में फील होगी आपको, खुद में फील होगा। और हमारे जो दर्शक जो पेरेंट्स है उनको क्या मैसेज देना चाहिए? पेरेंट्स को मैं कहना चाहूंगी कि अपनी बेटियों को फ्रीडम दीजिए, उनको कहिए वो चाहें, वो जो बोले कि हमें ये करना है, हमें ये चाहिए, मैं ये नहीं कि कह रही कि गलत बात, जिसमें वो कहेंगी हाँ ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि हाँ आप जाओ हम आपके साथ हैं, मैं ये पेरेंट्स को कहना, पेरेंट्स को, पेरेंट्स और फ्रेंड्स का भी बिल्कुल, क्योंकि अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स हो गए, आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, तो तब तक आपको सपोर्ट मिलेगा। और सबसे बड़ा सपोर्ट आपको चाहिए आपके समाज से, समाज का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, काफी जरूरी है। मोहल्ले से लड़कियां जाती हैं तो हाँ ये जीन्स पहन के जा रही है, ये है वो है, मतलब उस टाइप की जो ये जो सोच है ये लोगों को अपने दिमाग से निकलनी होगी, एक लड़की को सपोर्ट करना होगा ताकि वो आगे तक पहुंच सके और अपने मोहल्ले का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने स्टेट और अपने देश का नाम रोशन कर सके। तो दर्शकों, ये थे मोनिका शर्मा, जिन्होंने अपनी पूरी जीवनी पर प्रकाश डाला कि किस तरह से इन्होंने मेडल लिया, किस तरह से इन्होंने कठिनाइयों का सामना भी किया, आप कह सकते हैं हार भी मान ली थी, पर फिर भी ये बतौर एक मेडल लेकर हमारे सामने आया। और इनका जो इन्होंने हमारे संदेश दिया कि लड़कियों को फ्रीडम दीजिए, उन्हें आगे आने दीजिए, फ्रीडम का सही इस्तेमाल कीजिए, इनका ये कहना ये था कि गलत इस्तेमाल ना कीजिए, अगर पेरेंट्स आपके सपोर्ट कर रहे हैं तो लड़कियों को भी चाहिए, बेटियों को भी चाहिए कि वो भी उसका सही से इस्तेमाल कीजिए। और सरकार से भी इन्होंने अपील की है, विनती की है कि जो भी प्लेयर्स हैं जो इस पावर लिफ्टिंग में आते हैं उनको शुरू से, मतलब आप कह सकते हैं बिगनिंग से तैयार कीजिए, यानी कि अंत में आके जब वो अपनी मेहनत से करते हैं, कोई भी गोल्ड मेडल लेते हैं, फिर सरकार आती है कि नहीं इनको। और जो इन्होंने बात की जो सर्टिफिकेट वगैरह की, वो भी काफ़ी अच्छी काबिल तारीफ बात की कि सर्टिफिकेट को भी कुछ वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बावजूद जब उन्हें निराशा का सामना करना पड़ता है तो वो हम समझ सकते हैं कि वो किस तरह का लगता है उनके, कि इतनी मेहनत करके पावर लिफ्टिंग की, वेट उठाया, डाइट प्लान जी बिल्कुल बिल्कुल आप कह सकते हैं कि फैमिली से अलग हो गए एक किस्म से, और फिर आके उन्हें निराशा का सामना करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं। तो दर्शकों, इसी तरह हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे कठुआ के उन होनहार शख्सियतों से जिन्होंने कठुआ शहर का नाम हर जगह रोशन किया है। और ये तो थे मोनिका शर्मा। और अगर आप में भी कोई हुनर है
तो आप भी ज़रा हमारे कठुआ हलचल चैनल में आइए। जाते जाते कठुआ हलचल की पूरी टीम की तरफ से आपको आपके आने वाले जितने भी आपके कंपटीशन हैं उसकी ये शुभकामनाएं। आप ज़रूर सफल हो और आगे भी हमारे साथ इंटरव्यू के लिए आते रहें। तो इसी के साथ अपने दोस्त उत्तीन और कैमरामैन सुदर्शन भार्गव को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।